वहाँ पे ना मूंछ काटने का प्रचलन अरब वालों में, उन लोग का कपड़ा भी उसी डिजाइन का रहेगा, फूल कर एकदम भयानक उड़ते रहते हैं, आर्द्रता नहीं रहती है, 5 से कम नहीं रहनी चाहिए ना, जो फेफड़ा जल जाए, लेकिन आर्द्रता की एक खराबी है, निरपेक्ष आर्द्रता वायु में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं, आर्द्रता। अब समझो सब लोग, वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता 5 से कम नहीं रहनी चाहिए ना, जो फेफड़ा जल जाए, 60% निरपेक्ष आर्द्रता, 60% है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी वायु में उपस्थित, किसी वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहिए या आर्द्रता कहिए। हमारे लिए आर्द्रता जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। रेगिस्तान वगैरह में आर्द्रता नहीं रहती है, वहां पे नहीं रहती आर्द्रता, बड़ी दिक्कत होता है, धूल कण एकदम भयानक उड़ते रहते हैं। अरब वगैरह के देश में देखिएगा ना, बड़ी भयानक, तो उन लोग का कपड़ा भी उसी डिजाइन का रहेगा, पूरा यहाँ रहेगा, एगो गमछा टाइप के ऊपर रख देंगे, एगो इसे छाइटी वाला, एगो ऊपर छाइटी रख देंगे लोग, गोल टाइप का, उसको तोप बोलता है, हाँ ड्रेसवा को तोप बोलता है, हाँ हबीबी वाला, अरब वालों को नहीं देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, वहां पे धूल इतना भयानक उड़ता है तो पूरा चेहरा धूल धूल हो जाता है, समझा कि नहीं, पूरा चेहरा धूल धूल हो जाता है। अब पानी उनी पीने जाएंगे तो जो मोछ पे धूल धूल रखा रहेगा ना, उसमें पनिया में चल जाता है, वो बड़ा मूछ हो जाएगा, गंदा रहेगा, तो इसमें तो वहां पे ना मूछ काटने का प्रचलन अरब वालों में, वो लोग देखेंगे ना, या तो नहीं रखेगा तो एकदम छोटा रखेगा, हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या ही नहीं, और धोके और उठ के ऐसे करेंगे, देखिएगा एक और को मूछ ऐसा रखता है कि बाप रे बाप, उतना उसका देह ये नहीं है, मूछ रखा है, खड़ा हो तो बहू ये तो ड्रेस, अच्छा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हमको लगा कि कैदी वाला ड्रेस पहना, हमको लगा बेहूर जेल से भागा है क्या, नहीं ठीक है, मूछ रखते हैं लोग, बहुत लोग। आगे बढ़े, आर्द्रता समझ में आ गया कि नहीं आएगा, 60% से ज्यादा आर्द्रता है तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आर्द्रता की एक खराबी है, अगर उसके अगल बगल में कहीं उष्मा है ना तो सोख लेगी उष्मा को, तो जो 60% की आर्द्रता है अगर आपके अगल बगल में उष्मा है तो सोख लेगी वो, इसलिए ज्यादा दिक्कत होगा। बरसात के समय में देखिएगा आर्द्रता तो 60% हो जाती है, लेकिन अगर उसी समय धूप निकल गया ना तो वही आर्द्रता क्या सोख लेगी, गर्मी, वही आर्द्रता गर्मी, तो आपके अगल बगल से वो 60% नमी वाली हवा गुजर रही थी तो अच्छा लग रहा था ना, और जब वो गर्मी सोख लेगी तो बदन से जब बगल से जाएगा ना, जिस दिन बादल उदल रहेगा ना, ऐसा लगेगा चुभन हो रहा है, गर्मी इतना भयानक लगेगा, और लॉज में लाइट कट जाएगा, इतना बेचारा सबको दिक्कत होता है, डेली लाइट कट जाता है, 3-3 घंटा कट जाता है, हा? तो आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखिएगा तो थोड़े होगा, यहाँ पर पटना का विकास की आप चर्चा कीजिए, कि आप विद्यार्थी एरिया में लाइट जानबूझ के क्यों काटा जा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रुको हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा किधर कटता है, अरे भाई हमको बस हुआ मछुआ टोली से इधर संदलपुर तक, तनिचरा तक, इधर बाजार समिति, इधर अशोक राजपथ, इतने एरिया में विद्यार्थी रहता है, इस चतुर्भुज में लाइट के लिए व्यवस्था किया जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर लाइट नहीं कटनी चाहिए, पढ़ाई में क्या हो रहा है दिक्कत, क्या जी अशोक राजपथ के पास उतना नहीं कटता है, इस मोहल्ला में बहुत ज्यादा कटता है।